Hello everyone. So today we are going to learn one more learning theory, which is also comes under behavioristic learning theory. As earlier we learned about the classical conditioning theory by Ivan Pavlov. Now just opposite to that theory, the radical reaction of Pavlov's classical conditioning is operant conditioning, which is given by B.F. Skinner. So, बच्चों आज हम लोग study about operant conditioning. As I told you, this is also one of the most famous and most everlasting theory of behavioristic school of psychology. ये theory भी व्यवहार बात जिसको बोलते हैं behaviorism के ऊपर ही बेस करके इस थ्योरी को स्किनर ने जनरेट किया है. एज वी नो दैट बी.एफ. स्किनर वाज इंफ्लुएंस्ड टू अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड ही वाज सो मच इम्प्रेस्ड बाय द बिहेवियरिस्टिक थॉट. इवन ही वाज इम्प्रेस्ड बाय द वर्क ऑफ थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर. सो इनका जो ये थ्योरी का बेस है, दैट बेस इज कमिंग फ्रॉम द थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर. We talked about the law of effect. It's a law of effect where we are talking about that behavior is shaped by the consequences. हमारा जो व्यवहार होता है, जो behavior होता है, that is shaped by the consequences. What happened? Which behavior is followed by pleasant or satisfying? What do you say? Pleasant or satisfying consequences. That behavior is likely to be repeat. Okay, and the behavior which is not followed by pleasant, or we can say followed by an unpleasant behavior, that behavior we are not tend to repeat in the future. In Hindi, you can say तो हमारा ऐसा व्यवहार जिसपे आपको अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है, type of good response, वो व्यवहार हम future में भी जारी रखते हैं. लेकिन अगर वैसा बिहेवियर जिसके जिसपे हमारा जो अनुभव है वो क्या होता है, अनप्रेजेंट होता है, दैट बिहेवियर वी कैन नॉट अप्रूव इन आवर फ्यूचर. सो थॉर्नडाइक के उसी सिद्धांत लॉ ऑफ इफेक्ट को लेकर स्किनर है जनरेटेड द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर वर्ड ऑपरेंट एंड रीइन्फोर्सिंग. सो नाउ वी विल लर्न दिस थ्योरी. ओके, as this theory operant conditioning, here operant, what this very word operant suggests, okay, operant suggests any active behavior. Active behavior means any voluntary behavior, जो हमारा एक automatic, एक जो spontaneous जो response होता है, which we are making in the environment, okay? Like हम जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, जहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ पे we are making a automatic response. तो हमारा वो जो automatic behavior, जो automatic spontaneous, जो voluntary हमारा response होता है, and upon that response there are certain consequences generated, or what you can say, every response is carried with its own consequences. Means हमारा जो भी एक प्रतिक्रिया होता है उसके ऊपर फिर एक काउंटर प्रतिक्रिया आता है. मीन्स हमारा जो भी रिस्पॉन्स होता है उसका हमारा गुड या बैड, पॉजिटिव या निगेटिव, उसके ऊपर हम जो है प्रतिक्रिया रिसीव करते हैं. सो दैट इज द कंसिक्वेंसेज. सो in operant conditioning, operant responses are modified or changed by reinforcement. Very much important. क्या होता है कि operant conditioning, operant responses, operant means auto voluntary response जो है आपका, are modified. Modify means you need certain corrections. को हम कुछ हद तक सही है, उसमें जो भी आपको प्लस माइनस करने जो हम इसे मॉडिफिकेशन करते हैं, और चेंज, इट कैन बी चेंज आल्सो बाय रीइन्फोर्समेंट. सो हियर कम्स द वर्ड रीइन्फोर्समेंट, ओके, विच स्किनर हैज गिवन एंड एसोसिएटेड विद दिस कंडीशनिंग. क्या होता है कि जो भी हमारा रिस्पॉन्स है उसको हम मॉडिफाई और चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड रीइन्फोर्समेंट. देन व्हाट इज रीइन्फोर्समेंट? रीइन्फोर्समेंट इज अ टाइप ऑफ पुशअप. जब आप कोई भी किसी का रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स के ऊपर जो अब आपको जो प्रतिक्रिया देते हो, टाइप ऑफ जो कंसिक्वेंसेस है, दैट इज नोन एज रीइन्फोर्समेंट. ठीक है, और यहाँ पे इन दिस थ्योरी रीइन्फोर्समेंट, आपको जो रीइन्फोर्समेंट है,
ये जो है पैरडॉग के स्टिमुलस को रिप्लेस करता है. ओके, दिस ऑन द बेसिस ऑफ रीइंफोर्समेंट जो है हमारा रिस्पॉन्स जो होता है वो जज होता है, सस्टेन करता है या फिर इलिमिनेट होता है. ओके, नाउ सी दिस इक्वेशन. ओके, रिस्पॉन्स से आप कहाँ जा रहे हो? रीइंफोर्समेंट पे. पैरडॉग में क्या था? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. मीन स्टिमुलस है उसके ऊपर क्या आएगा? आपका रिस्पॉन्स आएगा. इवन अकॉर्डिंग टू पैरडॉग, नो स्टिमुलस नो रिस्पॉन्स. बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे रिस्पॉन्स कम्स फर्स्ट. इट इज योर वॉलेंटरी रिएक्शन इन एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में जो आप एक आपको वॉलेंटरी रिएक्शन देते हो, जो आप प्रतिक्रिया देते हो, उसके ऊपर क्या आता है? रीइंफोर्समेंट आता है. एंड व्हाट इज दैट रीइंफोर्समेंट? दैट रीइंफोर्समेंट इज द कंसीक्वेंस, और इन अदर वर्ड यू कैन से अ शॉर्ट ऑफ स्टिमुलस. सो हमारा जो रीइंफोर्समेंट है उसपे को जो है उसके ऊपर जो कंसिक्वेंसेज और स्टिमुलस है. सो हियर द इम्पोर्टेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट इज अटमोस्ट. यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो भी रिस्पॉन्स है उसके ऊपर हमें जो रीइंफोर्समेंट मिलता है उसके अकॉर्डिंगली ही हमारा बिहेवियर क्या होता है? चेंज या सस्टेन या इलिमिनेट होता है. मीन्स हमारा व्यवहार या फिर चेंजेस का जो बिहेवियर है, हमारा लर्निंग का कैसा शेपिंग हो रहा है, इट इज सस्टेनिंग और इट इज इलिमिनेटिंग. ये कौन डिसाइड करता है? हमारा रीइंफोर्समेंट. एंड देन दे आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. ओके, द कॉम्पोनेंट्स ऑफ जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है दे आर रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट. ओके, सो ये जो वर्ड है रीइंफोर्समेंट, हियर आई विल डिस्क्राइब दिस वर्ड रीइंफोर्समेंट. तो ये जो रीइंफोर्समेंट है दैट इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड negative. Okay, so if I am saying the word positive and negative, it does not mean good or bad. अगर मैं positive बोल रही हूँ तो ये good है, और अगर मैं negative बोल रही हूँ तो ये bad है. Okay, it both has its own value. Positive doesn't mean good behavior, negative doesn't mean the bad behavior. So reinforcement, okay, positive reinforcement and negative reinforcement. क्या होता है? जब भी कोई रिस्पॉन्स, बच्चे जब भी कोई रिस्पॉन्स करते हैं, कोई भी जब एक ऑटो रिस्पॉन्स आता है, सो दैट इज गाइडेड एंड फॉलोड बाय अ रीइंफोर्समेंट अकॉर्डिंग टू ऑपरेट कंडीशनिंग. और अगर वो बिहेवियर, अगर वो क्या है, इट इज अप टू द मार्क. उस व्यवहार को आप चाहते हो कि दैट बिहेवियर इज करेक्ट एंड शुड बी रिपीटेड इन द फ्यूचर, तो वहां पे वी आर शोइंग द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. मीन्स बच्चों का जो प्रतिक्रिया, जो व्यवहार, जो जिस रिस्पॉन्स को वी आर फाइंडिंग एप्रोप्रिएट, हम उसको एप्रोप्रिएट और सही होता है, एंड वी बिलीव कि दैट शुड बी चाइल्ड अगेन डिस्प्ले इन फ्यूचर, उसको वी आर गिविंग अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. फॉर एग्जाम्पल, इन क्लास रूम बींग अ टीचर यू आर आस्किंग क्वेश्चन. आप एक क्वेश्चन पूछते हो, चाइल्ड इज गिवन द करेक्ट आंसर, देन वॉट यू डू? आप क्या करते हो? आप उसको रिवॉर्ड देते हो, आप उसका एक आपका एक हैप्पी जेस्चर होता है, आप उसको वेरी गुड कीप इट अप लाइक अ सॉर्ट ऑफ क्लैपिंग. एनी स्टूडेंट वैल्यूएशन यू कैन यूज. सो ये जो होता है, सो दैट अफेक्ट द लर्निंग ऑफ द चाइल्ड की वॉट एवर हिज रिस्पॉन्स, हर रिस्पॉन्स जो भी उसका रिस्पॉन्स था, इट इज एप्रिसिएटेड. तो चाइल्ड उसका जो ये बिहेवियर है आंसर देने का, फीडबैक देने का, अगेन योर से विल रिपीट इन द फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल, बच्चा कोई बहुत ही अच्छा काम करता है, कोई अच्छा काम करता है, सपोज वो एग्जाम में बहुत अच्छा किया, वो कोई दौड़ में या फिर कोई कोकरिकुलर एक्टिविटी में जब वो कुछ अच्छा करता है, तो यू हम लोग उसको प्राइज देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं. क्यों? क्योंकि दैट बिहेवियर इज एप्रिसिएटेड, और उस बिहेवियर को वो अगेन फिर से कैरी ऑन करे, डिस्प्ले करे. सो ऐसा बिहेवियर, ऐसा रिस्पॉन्स जो क्या है, एक्यूरेट है, प्रॉपर है, एंड वी वॉन्ट कि चाइल्ड उसको आगे भी कैरी करे, चाइल्ड उसको आगे भी क्या करे, एग्जिबिट करे, उसके लिए वी आर गिविंग अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. मीन्स वी आर एडिंग, हाँ, कि ये क्या है, और हम लोग उसको और क्या करते हैं, इन अदर वर्ड्स यू कैन से वी आर मेकिंग इट मोर स्ट्रॉन्ग. मीन्स वी आर स्ट्रेंथनिंग दैट पर्टिकुलर बिहेवियर, चाइल्ड के उस व्यवहार को, उस बिहेवियर को हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देके क्या करते हैं, और स्ट्रेंथन कर रहे हैं उसको, और मजबूत बना रहे कि योर दिस बिहेवियर इज प्रॉपर, योर दिस बिहेवियर इज एप्रोप्रिएट, यू कैन रिपीट इट अगेन एंड अगेन. ओके, नाउ कम
देन कम्स यू व्हाट इज दिस नेगेटिव रिइंफोर्समेंट. ये नेगेटिव रिइंफोर्समेंट टेल क्या है. ओके समटाइम्स व्हाट हैपन चाइल्ड शोइंग और एक्सिबिट सर्टेन बिहेवियर. ओके बट दैट बिहेवियर इज नॉट दैट मच अप्रोप्रिएट. इट नीड्स सर्टेन मॉडिफिकेशन. सो एट दैट टाइम व्हाट वी आर गिविंग अ नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट. मीन्स उसका वो व्यवहार जो क्या मॉडिफाई होना चाहिए, जो थोड़ा सा रिफॉर्म होना चाहिए, उसके लिए वी आर गिविंग अ टाइप ऑफ दो देर इज री फ्री इन्फोर्समेंट. लेकिन रीइन्फोर्समेंट का यहाँ पे फॉर्म क्या है, निगेटिव. बट यू एट द सेम टाइम यू आर नॉट एप्रिसिएटिंग, यू आर जस्ट डिस्कार्डिंग द निगेटिव एलिमेंट ऑफ देयर बिहेवियर सो दैट इन फ्यूचर दे कैन कम अप विद द मोर एक्यूरेट बिहेवियर. दे कैन एग्जिबिट सर्टेन गुड बिहेवियर. मतलब उसकी जो चीजें जो एप्लीकेबल नहीं है, जो उसकी कमियां है, उसको आप वहां पे क्या करते हो, उसको बताते हो एंड उसको आप पॉइंट आउट करते हो. और उसमें जो चीज चाइल्ड के बिहेवियर में प्रॉपर नहीं जा रहा है, जो चीज चाइल्ड के बिहेवियर से आपको हटाना है, उस चीज को आप क्या करते हो, वहां पे आप एक निगेटिव जेस्चर दे सकते हो. ओके यू आर गिविंग यू कैन गिविंग आर व्हाट कैन आई से अनहैप्पी जेस्चर, निगेटिव जेस्चर, सो द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड कि दैट बिहेवियर इज नॉट अप्रोचेबल, दैट बिहेवियर इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. सो इन फ्यूचर ही और शी हैज टू एग्जिबिट अ डिफरेंट बिहेवियर जो कि क्या हो सके, ज्यादा वेलकम हो सके. सो इन दैट सेंस व्हाट वी कैन से कि निगेटिव बिहेवियर हेल्प द चाइल्ड टू मॉडिफाई देयर बिहेवियर एंड मेक इट मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रॉपर. ओके फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने जानते थे कि बच्चे जब राइट आंसर करते हैं तो यू एप्रिसिएट. ओके सपोज इन द क्लास रूम एंड चाइल्ड अपने कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं कि व्हेन यू आर आस्किंग क्वेश्चन दे ट्राई टू गिव आंसर बट दैट आंसर इज नॉट एप्रोप्रिएट. ओके सो इन दैट सेंस यू कैन टू जेस्चर इज समथिंग डिफरेंट. यू कैन से बेटर लक नेक्स्ट टाइम. ओके डू मोर स्टडीज. तो इस टाइप ऑफ निगेटिव रीइन्फोर्समेंट. तो यहाँ पे बच्चा को चाइल्ड नो कि उसका ये जो बिहेवियर था, उसका ये जो रिस्पॉन्स दैट इज नॉट एक्सेप्टेड. सो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम ही हैज टू शो और एग्जिबिट समथिंग डिफरेंट. सो दैट इज द निगेटिव रीइन्फोर्समेंट. एंड वन मोर प्रॉब्लम, समटाइम्स वी misunderstand or misconcept this negative reinforcement with punishment. Okay, no. Negative reinforcement never says or never advocate about the punishment. Punishment is something different and negative reinforcement is something different. बस अंतर ये है कि positive reinforcement mentally क्या होता है कि child is likely to exhibit that behavior again and again क्योंकि that behavior is strengthened through positive reinforcement. Okay. But in negative reinforcement क्या होता है कि child is less likely to repeat that behavior and they try to repeat it with certain modification because we are weakening the unwanted and inappropriate behavior. चाइल्ड का जो अनवॉन्टेड और जो अनएप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको हम लोग वीकेंड करते हैं सो दैट द चाइल्ड कैन मूव एंड गोज टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन एंड रिस्पॉन्ड टू अर व्हाट कैन आई से मोर करेक्ट बिहेवियर एंड कम अप विद द मोर करेक्ट रिस्पॉन्स एंड हियर वी आर कीपिंग इट स्ट्रेंथनिंग इट. सो इट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीइन्फोर्समेंट. देन कम पनिशमेंट. पनिशमेंट इज जस्ट अपोजिट टू रीइन्फोर्समेंट. इज ऑल्सो टू टाइप पॉजिटिव एंड निगेटिव. बट वॉट हैपन इन पनिशमेंट, पनिशमेंट में वट एवर द रिस्पॉन्स और बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड इट इज सप्रेस्ड. ओके वो क्या होता है, वो सप्रेस्ड होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉट एवर जो भी बिहेवियर, जो भी रिस्पॉन्स है चाइल्ड का, जो वट वी आर थिंकिंग कि इट इज नॉट एप्रोप्रिएट और इट शुड नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ पनिशमेंट उसको हम लोग क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू सब कुछ भी. किसी बच्चे को अगर आप सपोज क्लास में कोई बदमाशी करता है या फिर उसका जो बिहेवियर है, जो उसका जेस्चर है, इट इज नॉट एप्रोप्रिएट. ओके या फिर सपोज ही और शी आंसर्ड, बच्चे ने आंसर किया एंड आपने उसको बुरी तरह से स्कोल्ड कर दिया, आपने उसको डांट दिया या फिर टाइप ऑफ कॉर्पोरेट पनिशमेंट यू डिड, सो इट विल क्रिएट अ निगेटिव फीलिंग
ऑन अपॉन चाइल्ड, और ये निगेटिव फीलिंग वो उसका सस्टेन हो सकता है टुवर्ड्स द टीचर ऑल्सो, टुवर्ड्स द पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑल्सो, और इवन समटाइम टुवर्ड्स द स्कूल ऑल्सो. तो ये जो पनिशमेंट है इट इज समथिंग, क्या बोलोगे, इट इज नॉट दैट मच एप्रोप्रिएट, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड का जो बिहेवियर होता है उसको आप पूरी तरह से हटा नहीं सकते हो, सुधार भी नहीं सकते हो. विद द हेल्प ऑफ पनिशमेंट या फिर ड्यू टू पनिशमेंट क्या होता है, चाइल्ड का दैट पर्टिकुलर बिहेवियर वो इट बिकम सप्रेस, एंड सप्रेस होने के बाद उसका आप कुछ निगेटिव इफेक्ट यू कैन सी इन द चाइल्ड बिहेवियर. सो जनरली वी एक्वायर्ड पनिशमेंट बेसिकली इन द स्कूल का जो स्कूल सिनेरियो, वी हैव टू एवॉइड द पनिशमेंट, एंड इवन इफ इट इज कॉर्पोरल पनिशमेंट इन दैट टाइम वी हैव टू एवॉइड, बट समटाइम वी हैव टू गिव पनिशमेंट स्पेशली व्हेन द चाइल्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, दिस शुड हैव सर्टेन टाइप ऑफ फियर. अगर उनका एक फियर, एक सेंस ऑफ फियर नहीं रहेगा, सो इट इज हार्ड टू कीप दैट अवे फ्रॉम सर्टेन टास्क. ओके, सो पनिशमेंट कैन हेल्प यू टू जनरेट अ सॉर्ट ऑफ फियर विच कैन प्रिवेंट अ चाइल्ड टू सोइंग सम एक्सटर्ट और वॉट यू कैन से सो अनवेलकम टाइप ऑफ बिहेवियर. मीन्स आप पनिशमेंट के थ्रू बच्चों में एक उस लेवल का एक माइंड, एक ऐसा डर आप सिर्फ ये कर सकते हो कि जिससे बच्चे जो है वो डरे, जो आपका प्रोहिबिटेड चीजों के तरफ जाने से या फिर जो चीज उनके लिए हार्मफुल है वहां पे वो जाने के लिए जो है वो मतलब हेजिटेट करे, या फिर दे कैन फील फियर कि somebody is looking at me या somebody will scold me. टू जनरेट दैट सेंस यू कैन यूज पनिशमेंट. क्योंकि अदरवाइज री इन्फोर्समेंट इज मोस्ट वेलकम आइदर पॉजिटिव और निगेटिव टू सस्टेन द बिहेवियर. So that was the component of operant conditioning. So I hope you are getting the operant conditioning में the most important thing क्या है, response which is open. And response का we are doing the conditioning with the help of reinforcement. Reinforcement के through हम लोग क्या करते हैं, response का conditioning करते हैं, and either positive or negative. अगर वो positive है तो child will उसको कैरी करेगा क्योंकि इट इज स्ट्रेंथेंड, और अगर यू आर गिविंग अ निगेटिव री इन्फोर्समेंट तो चाइल्ड का जो अनवांटेड जो बिहेवियर है इट विल बी स्लोली एंड स्लोली मॉडिफाइड वीकेंड, एंड स्लोली स्लोली चाइल्ड विल कम अप विद द मोर करेक्ट रिस्पॉन्स. ओके, सो इट वॉज द कॉम्पोनेंट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. नाउ मूविंग टुवर्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. ओके, देर आर फोर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. द फर्स्ट वन इज शेपिंग. शेपिंग एज नेम सजेस्ट कि हम लोग जब किसी भी चीज को शेप करते हैं वी आर गिविंग अ सर्टेन शेप. इवन लर्निंग कैन बी शेप्ड. ओके, सो जस्ट रीड, शेपिंग इज एक्विजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर विद सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन. क्या होता है कि वाई लर्निंग देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर और मोर कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर, एंड वी नीड मोर एफर्ट. हम लोगों को बहुत एफर्ट लगता है किसी भी चीज को सीखने में. तो क्या होता है कि जब आप बच्चों को जब आप सिखाते हो तो एकदम अचानक से बच्चे करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं कर देते हैं. ओके, सो वेन दे आर गिविंग रिस्पॉन्स बिट बाई बिट, सो फॉर एवरी रिस्पॉन्स यू आर गिविंग द री इन्फोर्समेंट, एंड क्या होता है कि स्टेप बाई स्टेप दे लीड टू द करेक्ट रिस्पॉन्स. इवन लेट मी टेल यू अबाउट द एक्सपेरिमेंट एज इन पेब्लो क्लासिकल कंडीशनिंग. There was an experiment upon the dog and saliva, food and bell. So operant conditioning may be also there an experiment. An experiment is on the rat and pigeon. Okay. So rat he did experiment twice. उन्होंने rat के ऊपर भी experiment किया and pigeon के ऊपर भी. Rat के ऊपर जो था that's very famous, the known as the Skinner box. उन्होंने एक box develop किया था जहाँ पे कुछ liver means button थे, and when the rat was pressing the right button, the food was delivered to the rat. And उसके बाद ऐसा भी था कि when बटन के साथ साउंड को भी सिमुलेट किया गया था कि rat is pressing the button, then the sound is there and then food is
देयर. ओके सो सी इसमें भी क्या है, कंडीशनिंग है ऑपरेंड एंड देन वन एक्सपेरिमेंट अपॉन द पिजन दैट इज ऑल्सो नोन एज द स्किनर्स पिजन बॉक्स. वहां पे भी था कि देयर आर सम पीक्स था जिसको प्रेस करने से फूड वॉज कमिंग टू द पिजन. सो उसमें भी यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ शेपिंग की सपोज एज एन एनिमल सॉरी एज एन बर्ड पिजन क्या कर रहा है, पिजन फर्स्ट पिजन हैज टू थिंक कि विच डायरेक्शन में पिजन मूव करेगा, उसके लिए एक रिस्पॉन्स है. ओके इन विच डायरेक्शन पिजन कैन लाइक पिजन कैन वो अपने हेड को घुमाएगा लेफ्ट राइट अप एंड फेयर ही कैन सर्च फॉर द साउंड एंड फूड, तो उसके लिए भी एक रिवॉर्ड था. ओके एंड देन ऑन विच बटन किस बटन को पिजन प्रेस करेगा दैट उसको जो है फूड मिलेगा. तो क्या होता है कि अचानक से वी कैन नॉट रीच टुवर्ड्स द एकदम से राइट रिस्पॉन्स. सो बिट बाय बिट जो आप रिस्पॉन्स तक करेक्ट रिस्पॉन्स तक पहुंचते हो, बट योर फर्स्ट रिस्पॉन्स पे अगर आपको रिइंफोर्समेंट नहीं मिले तो यू कैन नॉट स्विच टू द सेकेंड. अगर सेकेंड पे आपको पता नहीं चले कंसिक्वेंसेस नहीं मिले यू कैन नॉट मूव टू द थर्ड. सो बिट बाय बिट जो हमारे रिस्पॉन्स का कंडीशनिंग होता है विद द रिइंफोर्समेंट सो ऑटोमेटिक यू रीच टूवर्ड्स द मैक्सिमम करेक्ट रिस्पॉन्स. सो दैट इज द शेपिंग कि आपका सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन चलता रहता है जब तक आप मोर डिजायर्ड बिहेवियर या मोर डिजायर्ड बिहेवियर मॉडिफिकेशन ना जाए. सो दैट इज द शेपिंग. आफ्टर शेपिंग का एक्सटेंशन. एक्सटेंशन मतलब जो बिहेवियर आपको नहीं रखना है जिसको आपको इलिमिनेट करना है. सो इलिमिनेशन ऑफ बिहेवियर बाय स्टॉपिंग पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट. ओके क्या होता है कि इलिमिनेशन में वी आर मेकिंग सो मेनी रिस्पॉन्सेज. हम लोग बहुत सारे रिस्पॉन्स बनाते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्स हम लोग वॉलंटियरली या नेचुरली हम लोग करते हैं, बट ऑल द रिस्पॉन्सेज आर नॉट वेलकम. कुछ रिस्पॉन्स ऐसा होता है जिसको हम लोग इलिमिनेट करना चाहते हैं. इवन बीइंग अ टीचर मे बी आपको बहुत सारा रिस्पॉन्सेज को यू कैन इमेजिन इन क्लास रूम आई एम जस्ट इग्नोरिंग है ना, समटाइम आई गिव मोर लेक्चर्स ऑल्सो. सो क्या होता है कि एक्सटेंशन जो बिहेवियर दोज विच आर नॉट एट ऑल एप्रोप्रिएट और इट कैन क्रिएट सम मिसकंसेप्शन कंफ्यूजन और एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, उसको हम लोग क्या करते हैं इलिमिनेट करते हैं. कैसे? जस्ट बाय अवॉइडिंग नो एनी रिइंफोर्समेंट. उसको आपको कोई रिइंफोर्समेंट नहीं देना, यानी कि अवॉइडेंस इज अ नो लर्निंग टाइप ऑफ लर्निंग. जब आप किसी चीज को बिल्कुल अवॉइड करते हो, नो रिएक्शन, नो कोई प्रतिक्रिया नहीं, नो रिइंफोर्समेंट इज अ टाइप ऑफ ऑल्सो ऑटो लर्निंग, क्योंकि नो रिस्पॉन्स इज एन ऑल्सो टाइप ऑफ रिस्पॉन्स. तो जो बिहेवियर दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर चाइल्ड दैट इज नॉट गुड, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग इलिमिनेट करते हैं. ओके द नेक्स्ट कम जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन मतलब मीन्स जो एक जगह है वो दूसरी चीज में भी अप्लाई होगा. ओके सो बिहेवियर मे परफॉर्म इन मोर देन वन सिचुएशन. मीन्स क्या होता है जनरलाइजेशन कि हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमारा जो लर्निंग है, उसको हम लोग एक सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, फिर अगर मोर और लेस सिचुएशन अगर सेम है, मोर और लेस अगर स्टिमुलस सेम है, तो हम लोग सेम बिहेवियर को दूसरे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई करते हैं, ट्रांसफर करते हैं. दैट इज नोन एज जनरलाइजेशन. क्या होता है, सपोज यू टॉट चाइल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. ठीक है, अगर आपने चाइल्ड को एडिशन में सिखाया है कि 4 apple + 4 apple इज इक्वल टू 8 apple एंड अगर सपोज आपके पास 9 apple है एंड इफ यू सब्सट्रैक्ट 4 apple एंड देन हाउ मेनी एप्पल 5 apple देन वॉट देन योर नेक्स्ट आप उसको दे रहे हो प्रॉब्लम 4 orange + 4 orange एंड 9 orange सब्सट्रैक्टेड 5 orange व्हाट विल बी द रिजल्ट. देन चाइल्ड कैन ऑटो सॉल्व कि अगर 4 apple, 4 apple, 8 apple हो रहा है तो 4 orange and 4 orange कितना होगा, 8 orange होगा. अगर 9 - 5 apple 4 हो रहा है तो 9 - 5 oranges भी क्या होगा, 4 होगा. सो दैट इज द जनरलाइजेशन. जब आप एक सिमिलर अगर आपका स्टूडेंट से सिमिलर अगर सिचुएशन है तो वहां पे आप एक
अगर एक सिचुएशन में एक स्टिमुलस में सीखा हुआ लर्निंग, सीखा हुआ बिहेवियर को जो आप दूसरे में क्या करते हो, ट्रांसफर करके दूसरे में जो आप यूज करते हो, दैट इज योर जनरलाइजेशन. मीन्स यू आर जनरलाइजिंग योर रिस्पॉन्स, यू आर जनरलाइजिंग योर बिहेवियर फ्रॉम वन सिचुएशन टू द नेक्स्ट. And that is also important because we do transfer of learning also. The last and fourth one is discrimination. Discrimination matlab alag karna, discriminate karna. Okay. So learning that a behavior is or will rewarded in one situation but not in other. Okay. It is different to generalization. Means यहाँ पे जनरलाइजेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, एक सिचुएशन में सीखे हुए रिस्पॉन्स को, बिहेवियर को हम लोग दूसरे में वी वर पुटिंग. बट यहाँ पे क्या है कि नो, इट डजंट नेसेसरी और इट डजंट हैपन ऑलवेज कि आपने एक सिचुएशन में एक जगह जो भी आपका मीन्स जो लर्निंग और बिहेवियर है, अगर एक सिचुएशन में वो रिपोर्टेड हुआ है, उसको पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट मिला है, तो सेम सिचुएशन को अगर आप दूसरे में रिपीट कर दोगे तो वहां भी वो आपका क्या होगा, रिपोर्टेड होगा या वेलकम होगा. इट इज नॉट नेसेसरी. मीन्स योर रिस्पॉन्स एंड योर बिहेवियर समटाइम्स डिफर फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. आपका एक व्यवहार, एक रिस्पॉन्स जिसके लिए आपको एक जगह पे रिवॉर्ड मिल रहा है, प्रेज मिल रहा है, वो सेम बिहेवियर दूसरी जगह करने से आपको प्रेज मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, इट इज नॉट नेसेसरी. सो यू हैव टू डिस्क्रिमिनेट द डिफरेंस बिटवीन द वेरियस टाइप ऑफ सिचुएशन, वेरियस टाइप ऑफ स्टिमुलस, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू एग्जिबिट एंड डिस्प्ले योर बिहेवियर. मीन्स ये डिस्क्रिमिनेशन आपके लिए व्यवहार में होना चाहिए कि कहाँ पे ये रिस्पॉन्स आपका वेलकम है और कहाँ पे ये रिस्पॉन्स आपका वेलकम नहीं है. सो दे वर द फोर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑपरेंट कंडीशनिंग इज. सो इन ब्रीफ आई कैन जस्ट टेल यू कि ऑपरेंट कंडीशनिंग एक ऐसा थ्योरी है, इट इज जस्ट अपोजिट टू क्लासिकल कंडीशनिंग. वहां पे था नो स्टिमुलस नो रिस्पॉन्स, बट यहाँ पे क्या है, नो रिस्पॉन्स कम्स फर्स्ट. आपका रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स डज नॉट डिपेंड अपॉन स्टिमुलस, क्योंकि रिस्पॉन्स क्या है, ये इट्स एन एक्टिव, एक वॉलेंटरी, एक स्पॉन्टेनियस. हम लोग हमेशा रिस्पॉन्सेस करते हैं. इवन बच्चा जो पैदा होता है, मतलब वी टेक बर्थ विद सर्टेन रिस्पॉन्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स बिहेवियर. इवन एक बच्चा देखोगे पैदा होने के बाद, इवन साउंड में कैन फील द साउंड, साउंड ज्यादा होने से वो अपना आईज को ये करता है. अगर हमारा पिन चुभता है, ऑटो वी गिव द रिएक्शन. ओके, हमारा कहीं हाथ अगर फायर में जाता है, ऑटो वी गिव द रिएक्शन. तो हम लोग हमेशा एक रिफ्लेक्स बिहेवियर बोलो के कुछ रिस्पॉन्स के साथ वी आर हियर. सो हमारा ये इट्स अ ह्यूमन नेचर कि हम रिस्पॉन्स देते हैं. वी आर ऑलवेज वी आर हियर विद द रिस्पॉन्स. सो उस रिस्पॉन्स को हम लोग को कंडीशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रीइंफोर्समेंट, एंड वो रीइंफोर्समेंट इज अ टाइप ऑफ कंसिक्वेंसेज और स्टिमुलस फॉर अवर रिस्पॉन्स. क्योंकि हमारा रीइंफोर्समेंट ये डिसाइड करता है कि वो जो हमारा रिस्पॉन्स, हमारा जो बिहेवियर है, इट विल सस्टेन और इट विल डिसअपीयर. सो दिस इट हैज एजुकेशनल वैल्यू टू, क्योंकि चाइल्ड को उसके रिस्पॉन्स के आधार पे सिखाना ज्यादा इजी है. एवरी टाइम वी कैन नॉट क्रिएट स्टिमुलस, एवरी टाइम वी कैन नॉट क्रिएट व्हाट कैन आई से लर्निंग एनवायरमेंट. क्योंकि चाइल्ड जैसे आजकल तो हम लोग इवन हम लोग आपसे बात करते हैं कंसर्टिविज्म का, एवरीवेयर चाइल्ड थिंक, एवरीवेयर चाइल्ड जनरेट, एंड एवरीवेयर चाइल्ड रिफ्लेक्ट, एवरीवेयर चाइल्ड रिस्पॉन्ड. सो फ्रॉम दैट रिफ्लेक्शन, फ्रॉम दैट रिस्पॉन्स, आप उसमें हम लोगों को देखना है कि विच उसको किसको आपको ऐड करना है, किसको आपको
जो है विड्रॉ करना है एंड अकॉर्डिंगली जो है विद द हेल्प ऑफ री इन्फोर्समेंट हम लोग चाइल्ड पे लर्न को क्या करते हैं शेप करते हैं एंड उसको वी आर गिविंग द डायरेक्शन. ओके सो इट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन कंडीशनिंग. वट एवर द डाउट और एनी क्वेरीज और कोई भी क्लैरिफिकेशन इफ यू नीड जस्ट लेट मी नो. ओके सो विद दैट आई एम एंडिंग दिस. थैंक यू सो मच Okay, for watching, just like and subscribe. Because after that, I will try to deal with some more psychological topics like constructivism, social constructivism. Okay, thank you so much.